CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला बंजारन। आइए आज सुनते हैं ये कार्यक्रम बंजारन भाग एक। आलेख विभा देवसरे का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। दोस्तों जय हिंद, तुमसे मिलने आ रही है बंजारन। दोस्तों वैसे ये बंजारन बहुत बात बनाती है, अब तुम खुद ही सुन लो। आओ बंजारन। बताने लाई हूँ मैं एक पिटारा जादू का। नहीं नहीं ये बड़ा अजब है। सांपने वाला। नहीं नहीं ये बड़ा गजब है। ठुमक ठुमक ठुम, ठुमक ठुमक ठुम, झनन झनन झूम, ठुमक ठुमक ठुम, झनन झनन झूम। मैं बंजारन नाचू गाऊ। बच्चों तुम भी नाचो गाओ, बच्चों तुम भी नाचो गाओ, ताली पीटो पीटो ताली। वाह वाह कितने अच्छे हो तुम। हाँ तो बच्चों नमस्ते, तुम भी बोलो ना। मुझे नमस्ते नहीं करोगे? अरे 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 ये क्या, तुमने तो सिर्फ हाथ जोड़ दिए। अरे बाबा मुंह से बोलो। हाँ अच्छा अच्छा अब समझी, मुझे पहचान नहीं रहे हो। मैं तो यहाँ प्यारे प्यारे बच्चों से बातें करने आई हूँ। उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी, गाने और बाजे सुनाऊंगी। भला तुम्हारा यहाँ क्या काम है? देखो बंजारन मुझे गुस्सा मत दिलाओ नहीं तो। अरे ये लो बच्चों एक नई बात सुनो भाई, पोपटलाल को भी गुस्सा आता है। अब तुम ये बताओ क्या तुम यहाँ बस बातें ही बनाने आई हो या बच्चों को कुछ बताओगी? अरे बताऊंगी बताऊंगी बहुत कुछ बताऊंगी, बस बीच में तुम मत बोलो। हाँ तो सबसे पहले मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरे ये रंग बिरंगे लाल पीले नीले हरे कपड़े जो मैंने पहन रखे हैं, इन्हें हम बंजारे लोग बहुत पसंद करते हैं। ये कपड़े दिन में भी चमकते हैं और रात में भी चमकते हैं। अरे भाई हम इन कपड़ों में चमकने वाला शीशा जो लगा लेते हैं। बच्चों हम बंजारे अपना सारा सामान अपने साथ उठाए इधर उधर घूमते रहते हैं, इसीलिए हमारे पास ये ढेर सारी पोटलियां रहती हैं। इन्हीं पोटलियों में हमारा बहुत सा सामान होता है। बच्चों हम जहाँ चले जाते हैं वहीं हमारा घर हो जाता है। ये सारी धरती ही हमारे घर का आंगन है और आसमान हमारी छत। बन बन घूमने से ही हम बंजारे कहलाए। कभी इस गांव कभी उस गांव, कभी इस शहर कभी उस शहर, नाचते गाते हंसते हंसाते सबको खुश करते हम इधर उधर घूमा करते हैं। Thank you.
बच्चों, मेरी इन पोटलियों में बहुत मजेदार चीजें हैं। जैसे ये पोपट लाल मेरे पोटलियों पर आंख गड़ाए बैठा है ना, वैसे ही वो जो तांगे वाला था ना, वो भी मेरी पोटलियों पर आंखें गड़ाता हुआ अकड़ कर बोला, अरे ओ बंजारन, मेरे तांगे को क्या मालगाड़ी का डिब्बा समझ लिया है? ये सारा कूड़ा कबाड़ा तुमने इस तांगे पर ही ला दिया। बस बच्चों, मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी तेज आवाज में कहा, अरे ओ तांगे वाले, अपनी मूछें क्यों ऐठरा रहे? मैं बंजारन हूँ बंजारन, मैं इसी तांगे में जाऊंगी और मेरी सारी पोटलियां भी इसी तांगे में जाएंगी, समझे? तांगे वाला तो डर के मारे आधा हो गया होगा। अरे डरता कैसे नहीं, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही थी। अरे मुझे यहाँ बच्चों के पास जो आना था। बस बच्चों, मैंने अपनी सारी पोटलियां तांगे में रख ली और तांगा बहुत तेज दौड़ने लगा। तो बच्चों, तुम जानते ही होगे कि तांगे को घोड़ा खींचता है। घोड़े के गले में छोटी छोटी घंटियां बंधी रहती हैं। घोड़ा सरपट दौड़ रहा था और मुझे घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी, टिन 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 टिन। घंटी की आवाज सुनकर मुझे गाना याद आ गया, तुम सुनोगे? अच्छा सुनो। बड़ा बहुत ये घंटा बोले टन 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 टन, बड़ा बहुत ये घंटा बोले टन 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 टन, घोड़े की ये घंटी बोले टिन 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 टिन, घोड़े की ये घंटी बोले टिन 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 टिन। मुन्नू भागा मुन्नू भागा, मुन्नू भागा मुन्नू भागा, स्कूल चलो लो कल्लू भागा, देखो दोस्तों, इतनी देर से बस बातें बनाई जा रही है, अब ये नहीं बताएगी कि इन पोटलियों में क्या है। तुम फिर उछल पड़े पोपट लाल। अरे तुम देखते रहो बाबा, मैं बच्चों को अच्छे अच्छे गाने सुनाऊंगी, बाजे सुनाऊंगी। बच्चों, तुम्हें गीत सुनना अच्छा लगता है? अच्छा, अब जरा हाथ ऊंचा करके ये बताओ कि किस किस को गीत सुनना अच्छा लगता है। चलो चलो ऊंचा करो, बताओ बताओ। अरे 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 अरे, वाह 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 वाह, तुम सबने हाथ ऊंचे कर दिए। अरे ये देखो भाई, हमारे पोपट लाल ने भी हाथ ऊंचा कर दिया। अच्छा तो बच्चों, गीत तो तुम्हें अच्छा लगता है और तुम्हें बाजे भी अच्छे लगते होंगे, पर जब गुब्बारे वाला पी पी करके बाजा बजाता है तो उससे तुम कभी बिगुल कभी सीटी खरीदते हो, इनमें फूंक मारने से पी पी पो पो की आवाज होती है। और मदारी क्या बजाता है जानते हो ना? अरे भाई, वो तो डमरू बजाता है। अब ये बताओ कि स्कूल में क्या बजता है? हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ बिल्कुल ठीक। अरे भाई, स्कूल में घंटा बजता है। अब देखो, मैं अब पोटली खोलती हूँ और अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें सब चीजें। अरे भाई, इन पोटलियों में बच्चों के लिए अच्छे अच्छे बाजे हैं। ये देखो देखो ना, ये है घंटा। बड़ा बहुत ये घंटा बोले टन 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 टन, बड़ा बहुत ये घंटा बोले टन टन।
अरे भाई तुम भी तो बोलो ये गीत मेरे साथ साथ, पहले मैं और फिर तुम सब, लेकिन भाई जोर से। हाँ ठीक है, अच्छा तो शुरू। बड़ा बहुत ये घंटा बोले टन 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 टन, चुन्नू भागा मुन्नू भागा, स्कूल चलो लो कल्लू भागा। आहा वाह 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 वाह, बहुत जोर से बोले भाई, शाबाश। हाँ तो बच्चों ये है घंटा, ये एक गोल थाली जैसा होता है, इसके किनारे पर एक छेद होता है, इस छेद में रस्सी बांधकर इसे लटका देते हैं, दूसरे हाथ में लकड़ी या लोहे की छड़ पकड़कर इस पर चोट करते हैं, तब इस पर टन 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 की आवाज होती है। अब इसकी आवाज सुनो। घंटा स्कूल में बजता है, मंदिर में बजता है। हाँ जब स्कूल में ये घंटा बजता है तो तुम सब लाइन में खड़े हो जाते हो और प्रार्थना करते हो ना। हाँ फिर बारी बारी से धीरे धीरे घंटा बजता है, एक दो तीन, कभी तुम हिंदी पढ़ते हो कभी हिसाब पढ़ते हो, और जब ये घंटा जल्दी जल्दी टन 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 बजता है तब तुम्हारी क्या होती है? अरे बाप अरे बाप अरे बाप, अरे कितनी जोर से बोले ये सब, छुट्टी। हाँ भाई छुट्टी हो जाती है। अरे 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 अरे, ये घंटे की आवाज सुनकर ये पोपटलाल तुम कहाँ चल दिए? तुम क्या ये समझ रहे हो कि तुम्हारी छुट्टी हो गई? अरे बाबा छुट्टी तो मेरी हुई है। अच्छा तो बच्चों मैं अब चलती हूँ। हाँ मेरी पोटलियों में और भी बहुत से बाजे हैं, लेकिन इनके बारे में मैं कल बताऊंगी। बजान, कल आओगी ना तुम? हाँ तो दोस्तों तुम्हारी आज दोस्ती हुई बंजारन से, तो जरा जोर से कहो जय हिंद। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।